गार्डनिंग का शौक रखने वाले अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाते हैं, तो मैंने देखा है, मेरे को खुद भी महसूस होता है कि मेरे पास पोट्स की कमी रह जाती है। गमले मैं जितने भी ले आऊं, गमलों की कमी रह जाती है। तो उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन बचती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो वेस्ट चीज़ें हैं, यानी बॉटल्स वगैरह हैं, तो उनको भी हम डेकोरेट करके अपने प्लांटर बना सकते हैं। तो मैं आज आपको ये दिखाऊंगी कि मेरे पास ये वेस्ट बॉटल्स हैं, तो इन वेस्ट बॉटल्स को मैं काट के और पेंट करने के बाद फिर हम देखते हैं कि इसका कैसे प्लांटर बनता है, वो मैं आपके साथ सारी बातें शेयर करूंगी। तो चलिए अब हम इसको काट लेते हैं। प्लांटर में हम सॉइल को थोड़ा सा हल्का ही रखेंगे। उसके लिए मैं आपको सॉइल बताती हूँ। 20% मैंने गार्डन सॉइल लिया है और 10% मैंने वर्मी कंपोस्ट, काउडंग लिया। ये वर्मी कंपोस्ट 10% चाय की पत्ती डाल लूँगी मैं, और इसमें एग शेल के टुकड़े, ताकि हमारे जो प्लांट्स को है कैल्शियम मिलता रहे। और सूखी चाय की पत्ती डालते हैं तो NPK मिलता है, और वर्मी कंपोस्ट और काउडंग में आपको पता ही है कि NPK की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और गार्डन सॉइल में एक मैं आपको यहाँ और चीज़ बताऊँगी। यहाँ पर मैंने मूंगफली के छिलके, जिनको मैंने धोकर सुखा लिया, तो इनमें नाइट्रोजन और पोटाश की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारे प्लांट्स को ग्रोथ भी देते हैं और फ्लावरिंग भी करते हैं। और ये सबसे अच्छा विकल्प ये है, कोकोपीट के स्थान पे ये सॉइल को सॉफ्ट रखेगा और ये न्यूट्रिशन से भरा हुआ है, ये बुरा बुरादा ये मूंगफली के छिलकों का। तो अब मैं इसको इसमें मिक्स कर लूँगी और इसके बाद हम प्लांटर भर लेंगे, ताकि जो हमारे ये प्लांटर हैं प्लास्टिक की बोतल के, ये ज़्यादा हैवी ना हो। तो ये छिलके भरने के बाद हम इसको भरते हैं। इस तरह से आप वेस्ट बॉटल्स का टावर बनाएं और अपने प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ताकि हमारी बगिया में ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिले। मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, और मैं किसी और टॉपिक के साथ आपके समक्ष आऊँगी। थैंक्स।